मित्रों, सरदार साहब ने जिस प्रकार से आजादी के बाद भारत को एक करने का काम किया, मगर दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सरदार साहब को भुलाने का प्रयास किया गया। आजादी के बाद उनके योगदान को उचित सम्मान, उनके योगदान को उचित स्थान कभी नहीं मिला, मगर ना उनको भारत रत्न दिया गया, ना उनको उचित सम्मान दिया गया। मगर कहते हैं कि सूर्य को कितनी देर बादल ढक कर रख सकता है। परिस्थितियां बदली, देश बदला, आज सरदार साहब को भारत रत्न भी मिला है और विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार साहब की हम सब की नजर के सामने है।